तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़। इसको बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आजकल टॉपिक काफ़ी चर्चा में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फुल नेम है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो भी वाइल्ड एनिमल्स की माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं, उसकी कंजर्वेशन के लिए ये कन्वेंशन 1979 में जर्मनी में साइन की गई थी। और प्लेस का नाम था बॉर्न कन्वेंशन, बॉर्न, तो इसीलिए इसको बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये साइन की गई थी 1979 में, इसके 4 साल बाद इसको रेटिफाइड भी कर दिया गया। और जो CMS है, वो हर तीसरे साल बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होल्ड करती है। इसके बाद देखिए, CMS के 3 टाइप के मेंबर होते हैं। पहले होते हैं जिन्होंने साइन किया हुआ है और वो फुल मेंबर्स हैं। इसमें इंडिया, UK, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस देश आते हैं। दूसरे हैं जिन्होंने साइन तो किया हुआ है लेकिन उन्होंने रेटिफाई नहीं किया। इसमें सिर्फ 2 देश आते हैं, एक है जमैका और दूसरा है CAR, यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तीसरे होते हैं पार्टिसिपेटिंग, लेकिन वो इनके मेंबर नहीं होते, सिर्फ वो पार्टिसिपेट कुछ कन्वेंशनों में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें देखिए 2 प्रोमिनेंट देश आते हैं, USA और चाइना। इसके बाद देखिए, ये फुल मैप है जो आप ग्रीन कलर की कंट्रीज़ देख रहे हैं, जिसमें कि इंडिया भी आता है। ये सारे देश फुल मेंबर्स हैं। ये देखिए, ये इंडिया, पाकिस्तान, मंगोलिया, ये सारे मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे फुल मेंबर्स हैं। ये देखिए कि ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये देखिए लाइट ग्रीन कलर, एक ये और एक यहाँ पे ये है जमैका। ये दोनों ही मींस इन्होंने रेटिफाई नहीं किया लेकिन ये मेंबर्स हैं। तीसरे मेंबर्स आते हैं जिन्होंने, जो कि नॉन पार्टीज़ हैं लेकिन वो कन्वेंशनों में पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें ये देखिए USA और चाइना आता है। इसके बाद इसके डिफरेंट एग्रीमेंट्स पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। सबसे प्रोमिनेंट है यूरोबैट्स। देखिए, बैट्स की बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं और यूरोबैट्स 50 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ की कंजर्वेशन के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहा है। उसके बाद है शार्क्स। शार्क्स की भी कम से कम 5 से ज़्यादा स्पीसीज है, उसके लिए भी पूरी दुनिया में काम हो रहा है, जो कि CMS के डिफरेंट एग्रीमेंट्स के अंडर काम हो रहा है। उसके बाद ऐसे ही टर्टल और रैप्टर के लिए अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं। देखिए, इसके अपेंडिक्स 2 होते हैं। पहला अपेंडिक्स होता है थ्रेटन्ड माइग्रेटरी स्पीसीज। अगर कोई भी स्पीसीज अपेंडिक्स 1 में आ जाए तो उसका ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है। दूसरा होता है माइग्रेटरी स्पीसीज रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसमें बेसिकली उन स्पीसीज को रखा जाता है जो कि मींस लगता होता है कि वो अंडर थ्रेट है, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया के देशों को आगे आना पड़ता है और वो कोऑपरेशन करते हैं उस स्पीसीज़ की कंजर्वेशन के लिए। लेकिन जो अपेंडिक्स 1 में आ गया, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केयर होती है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस केयर होती है। इसके बाद ये देखिए, यह है लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज CMS। ये हमारे इंडिया में हुआ था, गांधीनगर में 2020 में। ये बेसिकली, ये देखिए इसका पोस्टर है और इसमें 130 कंट्रीज़ को इनविटेशन मिला था। और ये देखिए गांधीनगर गुजरात, ये इसका ये देख सकते हैं, ये टैगलाइन है, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। और ये देखिए इंडियन गवर्नमेंट और गुजरात के, ये अलग अलग, ये देखिए ये एनिमल है, इसका नाम है गिबी। गिबी को ये देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बेसिकली इंडियन की तरफ से ये रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को। उसके बाद पूरे इस CMS में 2 स्पीसीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। और ये पहली स्पीसीज़ है वाइट थ्रोटेड बी ईटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल स्पीसीज़ है बर्ड की। और इसका साइंटिफिक नेम देखिए, मेरोप्स एल्बिकॉलिस।
ये देखिए, ये जो साइंटिफिक नेम का पहला वर्ड है मेरोप्स, इसको बस कन्वर्ट कर दीजिए, वो बन जाएगा फैमिली मेरोपीडे। तो ये मेरोपीडे फैमिली का बर्ड है और इसका साइंटिफिक नेम है मेरोप्स एल्बिकॉलिस। ये बेसिकली ये ब्रीड करता है सहारा के जो भी सेमी डेजर्ट एरिया हैं, और विंटर में ये सेनेगल से लेकर युगांडा तक जितने भी रेन फॉरेस्ट आते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, उनमें ये विंटर में वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट है यूरोपियन रोलर। ये देखिए, ये यूरोप में ओनली रोलर है जो कि ब्रीड करता है, और इसका साइंटिफिक नेम देखिए कैराकियस गैरुलस। और देखिए साइंटिफिक नेम से इसकी पहले वर्ड से फैमिली पता चल जाती है, कैराकियस से बनेगा कैरासीडे, ठीक है। और ये यूरोप में ब्रीड करता है, और विंटर में ये साउथ या ईस्ट अफ्रीका के कई कई देशों में चला जाता है। इसके बाद ये देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक, सबसे पहले ये देखिए 3 दिन होते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल डे। और इनको याद करने के लिए आपको सिर्फ ये छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर हम फॉरेस्ट को पानी देंगे तो वेदर अच्छा होगा। और आपको ये वाली ट्रिक टिप्स पे याद हो जाएगी। ये देखिए 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, अगर हम फॉरेस्ट को वाटर देंगे तो वेदर अच्छा होगा, मटीरियोलॉजिकल डे 23rd। तो इसलिए मटीरियोलॉजिकल डे बेसिकली वेदर से रिलेटेड होता है। तो इसलिए देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है, और आपको सिर्फ एक छोटी सी ये देखिए निमोनिक याद रखनी है, और इस तरह आपको 3 इम्पॉर्टेंट डे लगातार सक्सेसिवली याद हो जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।